जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की उस पॉलिसी को डिस्कस करेंगे जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग कर दी है। कैपिंग से क्या मुराद है? कैपिंग से ये मुराद है कि हर साल ऑस्ट्रेलिया में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडी के लिए आ सकते हैं या आएंगे। इससे पहले कि मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊँ, तो मैं एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें ताकि आइंदा भी हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो 27 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी अनाउंस कर दी है कि वो 2025 में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेंगे। तो उसके लिए उन्होंने अपना जो बेंचमार्क डिसाइड किया है वो 2024 को नहीं किया। 2024 को इसलिए नहीं किया कि जैसे आपको पता है कि 2024 के अंदर बहुत वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी पूरी दुनिया से बड़ा स्लो था। तो उन्होंने कहा जी जो हम 2023 में जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमने लिए, हम 2025 में भी इतने ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेंगे। सो 1 जनवरी 2025 से वो ये नया कोटा अप्लाई होगा और पूरा 2025 का कोटा है 2,70,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब आगे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इन स्टूडेंट्स को कैटेगराइज भी कर दिया है कि किस सेक्टर में हम कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेंगे। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने फैसिलिटेट किया है अपनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जिसको हम आम जबान में सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा कोटा उन्होंने उनके लिए रखा है। उसके बाद वेट कोर्सेज के लिए रखा है और तीसरे नंबर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और जो हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स है उसका वाले से कोटा रखा है। तो सबसे ज़्यादा कोटा जो हमने बात की कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए है और वो है 1,45,000। 2,70,000 स्टूडेंट में से 1,45,000 स्टूडेंट्स वो होंगे जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने मजबूत किया है, यानी कि 2,70,000 में अगर सिर्फ 1,45,000 पब्लिक सेक्टर में जाएंगे तो सिर्फ 1,25,000 स्टूडेंट पीछे बचता है, यानी कि सिर्फ वो जो 40 से 45 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बच्चे जाएंगे 1,45,000। तो इस तरह जो एक मुस्बत चीज़ हम इसमें कह सकते हैं वो ये है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की वीज़ा रेशो बढ़ेगी, अच्छी रहेगी या इम्प्रूव होने का इम्कान है, उसमें कमी का इम्कान नहीं है। उसके बाद दूसरा सेक्टर आ जाता है वेट प्रोग्राम्स, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर उन्होंने रखा है पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर 95,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कोटा। अब देखें, एक तरफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ हैं 40 से 45 और दूसरी तरफ वेट प्रोग्राम्स हैं हज़ारों के हिसाब से इंस्टीट्यूशंस करवा रहे हैं। इट मीन्स के पूरी दुनिया से 95,000 स्टूडेंट्स वो ऐसे लेंगे जो वेट प्रोग्राम्स में आ रहे होंगे। तो इसका मतलब हम फोर्स ही ये करते हैं कि वेट प्रोग्राम्स का वीज़ा रेशो बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि जब टोटल स्टूडेंट पूरी दुनिया से 95,000 लेने हैं और हज़ारों के हिसाब से वेट इंस्टीट्यूशंस हैं तो वी विल सजेस्ट कि आप वेट प्रोग्राम में ना जाएं। तीसरी कैटेगरी है प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ या जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें डिग्री प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं, उसका कोटा उन्होंने अलहदा डिसाइड कर दिया, वो है 30,000। सो 2,70,000 टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 2025 में रिक्रूट किए जाएंगे, 1,45,000 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज से, 30,000 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से और 95,000 स्टूडेंट्स होंगे वेट प्रोग्राम्स। सो 1,45,95 और 30, अगर हम इसको देखें तो सिर्फ जो 40-45 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको स्टूडेंट दे दिए गए हैं 1,45,000 और बाकी तमाम इदारों को, वो वेट प्रोग्राम हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डिग्री प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, उनको दिए गए हैं सिर्फ 1,25,000 स्टूडेंट, 95 और 30, 1,25,000। तो दिस शोज़ कि आने वाले दिनों में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रहेगी, एज यूजल रहेगी, बल्कि आगे से बेहतर होगी। अब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के एडमिशन से क्या मुराद है? बाज़ दफ़ा D2D ऑप्शन आती है जिसमें डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर डिग्री है। अगर आपकी फाइनल COE जो फाइनल कोर्स है, जिसको जब वो एक से ज़्यादा कोर्सेज की COE आती है, और अगर आपकी फाइनल COE जो है वो सरकारी यूनिवर्सिटी की है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की है, तो आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंट होंगे और उसकी वीज़ा रेशो वुड बी वेरी गुड। तो विद दिस ब्रेकिंग न्यूज़ वी कैन सम अप कि आप काइंडली
अगर प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाने के लिए, तो हायर एजुकेशन पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ही अपना एडमिशन लें, और आपका COE जो है फाइनल COE, अगर एक COE है तो डेट शुड बी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, अगर आपकी दो COEs हैं, इवन तीन COEs हैं, तो वो भी फाइनल COE पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। अब इसमें से कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो उन्होंने कहा जी कि जो जिन पे ये कोटा अप्लाई नहीं होता, वो कौन कौन से हैं। एक तो जो ऑलरेडी उधर स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो इस कोटे में नहीं आएंगे, यानी कि अगर वो कल एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, फर्दर लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये नए स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। नंबर टू, एक हायर एजुकेशन के अंदर जो रिसर्च प्रोग्राम स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें काउंट नहीं होंगे। नंबर थ्री, जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया जिनके कैंपसेज हैं उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी इसमें काउंट नहीं होंगे। एक और, अगर आप सिर्फ एली कोर्स के लिए जा रहे हैं, उसे कहते हैं स्टैंड अलोन प्रोग्राम। स्टैंड अलोन प्रोग्राम से मुराद ये है कि आपका उसके बाद डिग्री का या कोई और COE नहीं है, सिर्फ आप लैंग्वेज कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, तो वो भी इस कोटे के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। तो बेसिकली ये कोटा के अंदर आपके तीन तरह के प्रोग्राम्स कवर हो रहे हैं। नंबर वन, आपके वेड प्रोग्राम्स। नंबर टू, बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स। नंबर थ्री, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स। मास्टर डिग्री बाय रिसर्च भी इसमें नहीं है। अब जो आपका डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर होता है, फाउंडेशन लीडिंग टू बैचलर होता है, उसके साथ क्योंकि आपकी बैचलर की COE होती है, तो वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम ही काउंट होता है। इस तरह आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका प्री मास्टर्स का COE और साथ मास्टर्स का COE है, तो वो भी मास्टर्स का ही काउंट होगा। सो विद दिस इंफॉर्मेशन, आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगी। तो आपको हम फाइनल रिकमेंडेशन ये देते हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डू प्रोसेस योर केस फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, एंड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर वीज़ा रेशो बहुत अच्छा रहने का अमकान है। ये एक हमारी प्रिडिक्शन है या हमारा एनालिसिस भी है, प्रिडिक्शन कह लें एनालिसिस कह लें, जो पिछले 20 साल के इस फील्ड के अंदर हमारी लर्निंग्स हैं उसका आउटकम है। तो विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू वेरी मच।